ये बात लगभग पक्की मानी जा रही थी कि बिहार सरकार से नाराज प्रदेश के करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को मनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हुआ भी ठीक ऐसा ही। पटना के गांधी मैदान में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके लिए नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी, जिसके तहत शिक्षकों को कई लाभ मिलेंगे। सीएम नीतीश के इस ऐलान के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे ने सीएम नीतीश को बधाई दी है। केदार पांडे ने कहा कि ये ऐलान शिक्षकों के आंदोलन का परिणाम है। अब सरकार को समान काम समान वेतनमान पर भी विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने नई सेवा शर्त लागू करने और ईपीएफ देने की भी घोषणा की है। मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों की नई नियमावली को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर इसे लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शिक्षकों की नई सेवा शर्त में ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति, वेतन वृद्धि और सेवा निरंतरता जैसी शर्तें शामिल हैं। नई सेवा शर्त नियमावली से राज्य के 4.25 लाख शिक्षक ईपीएफ का लाभ भी ले सकेंगे। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में 35,916 शिक्षकों के पद सृजित किए जाने की भी जानकारी दी। यह भी कहा कि 400 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूत्रों की माने तो 5 सितंबर तक जहां शिक्षकों को सेवा शर्त का सरकार तोहफा दे सकती है, नई सेवा शर्त लागू करने के साथ ही नियोजित शिक्षक शब्द हटाने का ऐलान किया जा सकता है। यही नहीं, अनुकंपा के इंतजार में बैठे आश्रितों को भी सरकार बड़ा लाभ देने जा रही है। इसके तहत जो भी टीईटी, बीएड, ट्रेड अभ्यर्थी होंगे उन्हें शिक्षक की नौकरी मिलेगी, जबकि अनट्रेड अभ्यर्थियों को डिग्री के आधार पर क्लर्क और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों में बहाली ली जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर नीतीश सरकार ने काफी बड़ा ऐलान कर दिया है। कल 15 अगस्त पर काफी बड़ा ऐलान करते हुए नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने जिले का नाम लिखिए और आगे लिखिए नियोजित शिक्षक, जिससे कि आगे मुझे अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए। दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए, ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।